फ्रेंड्स, अभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। इस समय में हमारा मन करता है कि बिल्कुल कम तेल मसालों वाला कुछ अच्छा सा हेल्दी सा नाश्ता करें। तो आज मैं वही लेके आई हूँ, बिल्कुल कम तेल मसाले वाले हेल्दी सा बहुत ही टेस्टी नाश्ता की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी रेसिपी। एक कप सूजी लिया है, आधा कप बेसन लिया है। जितना आप सूजी लें उसका आधा आपको बेसन लेना है। एक कप दही लिया है, दही थोड़ी सी खट्टी होगी तो बहुत ही टेस्टी बनेगा हमारा नाश्ता। दही, सूजी और बेसन को अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम ज़रूरत के अनुसार पानी ऐड करेंगे। बैटर हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना है। अभी और पानी इसमें ऐड होगा। थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, बहुत ज़्यादा ऐड मत कीजिएगा। एक चम्मच ऑयल, एक छोटा चम्मच नमक या स्वाद के अनुसार। सारी चीज़ों को एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको ढक के 20 मिनट रेस्ट करने देंगे। तो जब तक नाश्ते का बैटर हमारा रेस्ट कर रहा है, साथ में खाने के लिए चटनी तैयार कर लेते हैं। मिक्सी जार ले लिया है, यहाँ पे मैंने हाफ कप डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, क्योंकि इस टाइम पे अभी मेरे पास ताज़ा नारियल अवेलेबल नहीं है। अगर आपके पास ताज़ा नारियल हो तो वही यूज़ कीजिएगा। एक बड़ा चम्मच भुना और छीला हुआ मूँगफली, 1 इंच अदरक को छील के कट कर लिया है, 2 हरी मिर्च, थोड़ा सा धनिया पत्ता, आधा छोटा चम्मच नमक, 2 बड़ा चम्मच दही। दही डालने से चटनी का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। हाफ कप पानी, चटनी तैयार कर लेंगे पीस के। बीच में आपको ज़रूरत लगे तो और पानी ऐड कर सकते हैं। हमारी चटपटी सी चटनी हो चुकी है बिल्कुल तैयार। इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसमें हम लगाएंगे तड़का। गैस ऑन करेंगे। यहाँ पे मैंने तड़का के लिए कलछी ले लिया है। गैस को कर लेंगे कम, कलछी को गरम होने देंगे। कलछी गरम हो चुका है, कलछी में 1 चम्मच तेल डाल लेंगे। तेल अच्छे से गरम हो चुका है। थोड़ा सा उड़द दाल, काली सरसों, सफ़ेद तिल। गैस को कर देंगे ऑफ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गरम हो चुका है। 1 पिंच हींग, 2 सूखी लाल मिर्च, लाल मिर्च को हमें जलाना नहीं है, 2 करी पत्ता। मेरे पास इस टाइम पे करी पत्ता बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर आपके पास ज़्यादा है तो थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ कर लीजिएगा। थोड़ा सा गरम ऑयल में तड़का को पकने देंगे। गैस को ऑफ कर लिया है ताकि तड़का जले नहीं। बस तड़का लगा लेंगे चटनी में। हमारी चटनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है तड़का लगाने के बाद। चलिए नाश्ता बनाने की तैयारी करते हैं। बैटर चेक कर लेते हैं। सूजी अच्छे से फूल चुकी है। यहाँ पे मैंने 1 पैकेट इनो साल्ट ले लिया है। इसकी जगह पे आप मीठा सोडा यानी कि बेकिंग सोडा भी यूज़ कर सकते हैं, 1 छोटा चम्मच। 1 चम्मच पानी ऐड कर लेंगे ताकि अच्छे से एक्टिवेट हो जाएगा और बैटर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बैटर का गाढ़ापन बिल्कुल परफेक्ट है, इससे ज़्यादा हमें पतला नहीं करना है। ये अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है, एक साइड में रख लेंगे। यहाँ पे मैंने ले लिया है छोटू छोटू से इडली बनाने के लिए इडली मेकर। अब यहाँ पे मैंने ब्रश में ऑयल ले लिया है। इस तरीके से सांचे में ऑयल लगा लेंगे। अगर आपके पास छोटा वाला इडली मेकर सांचा ना हो तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बड़ा वाला इडली बना लीजिए, उसी के छोटे छोटे पीस करके इस तरीके से नाश्ता तैयार कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा बैटर रखेंगे। इसे अभी एक साइड में रख लेंगे। यहाँ पे मैंने इडली स्टीम करने के लिए स्टीम वाला कढ़ाही ले लिया है। आप कोई सा भी नॉर्मल पतीला या कढ़ाही यूज़ कर सकते हैं। 1 से 1.5 ग्लास पानी ऐड कर लेंगे। गैस ऑन करेंगे, ढक्कन लगा देते हैं ताकि फटाफट से स्टीम आ जाएगा। यहाँ पे मैं पानी में आधा नींबू डाल रही हूँ,
इससे क्या होगा, आपका जो नाश्ता बनेगा उसमें बहुत अच्छी खुशबू आएगी और जो कई बार पानी उबलते उबलते बर्तन में कालापन आ जाता है ना, वो नहीं आएगा। चेक कर लेते हैं, पानी में उबाल आने लग गया है। यहाँ पे मैं स्टीमर वाला एक प्लेट रख देती हूँ और ये जो मैंने इडली रखा है ना, इसके बीच में कुछ भी पकड़ने के लिए सपोर्ट नहीं है, तो मैं यहाँ पे एक जुगाड़ लगा रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक छोटी वाली सीज़र ले लिया है। इस तरीके से रखने के बाद इसको इस तरीके से सीज़र को खोल देना है अच्छे से, यह अटक जाएगा इस तरीके से। फिर इसको ऐसे सेट कर देंगे और सीज़र को निकाल लेंगे, ढक्कन लगा देंगे, फ्लेम को हाई पे ही रहने देंगे। ये छोटे छोटे इडली है तो 10 मिनट में ये स्टीम हो जाएंगे। चेक कर लेते हैं इडली। यहाँ पे मैंने टूथपिक ले लिया है, इस तरीके से बीचों बीच डाल के देखेंगे इडली के, ये बिल्कुल क्लीन निकल रहा है। तो हमारा जो इडली है बिल्कुल अच्छे से स्टीम हो चुका है। तो अभी मैं गैस को कर देती हूँ ऑफ, क्योंकि मेरे पास ये छोटू वाला एक ही प्लेट है, तो थोड़ा सा इसको ठंडा होने देंगे, कढ़ाई से बाहर निकाल के रख देंगे। ये ठंडा हो चुका है, इसको निकालना बहुत आसान है। साइडों से इस तरीके से आप प्रेस करेंगे हल्के हल्के हाथों, ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है। आप देख पा रहे होंगे कितना जालीदार बना है। तो एक एक करके निकाल के एक प्लेट में इकट्ठा कर लेंगे और थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो एक एक बैच करते हुए सारे छोटू इडली तैयार कर लेंगे। बैच वाई बैच करके सारे इडली मैंने तैयार कर लिए हैं। तो चलिए इसको और टेस्टी बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा तड़का लगाते हैं। गैस ऑन करेंगे, पैन रखेंगे, पैन को अच्छे से गर्म होने देंगे। पैन गर्म हो चुका है, एक बड़ा चम्मच ऑयल ऐड कर लेंगे और ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे तड़का के लिए एक चम्मच राई, आधा चम्मच उड़द दाल, एक छोटा चम्मच सफ़ेद तिल, एक चुटकी हींग। थोड़ा सा पकने देंगे सारी चीज़ों को, थोड़ा सा कड़ी पत्ता। अब इसमें इडली ऐड कर लेंगे, अच्छे से उलट पलट करेंगे, अच्छे से उलट पलट करेंगे ताकि सारी इडली के ऊपर तड़का अच्छे से कोट हो जाए। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, आप अपने पसंद के अनुसार इसमें बारीक कट करके हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। बस सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, जैसे भी आपको सुविधा हो। बस सर्व करने के लिए हमारी इडली बिल्कुल रेडी हो चुकी है। गैस को कर लेंगे ऑफ और फटाफट से इसे हम सर्व कर लेते हैं चटनी के साथ। तैयार है हमारी चटपटी चटनी के साथ सूजी बेसन का नाश्ता। बहुत ही टेस्टी लग रहा है देखने में और खाने में तो है ही बहुत ज़्यादा टेस्टी। आप इसे अपने मेहमानों के लिए भी बना सकते हैं, ये इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। उम्मीद है आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।